हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरे घर में पनीर फट गया था, मतलब कि दूध फट गया था और पनीर मैंने इसका बना करके तैयार कर लिया था। तो लगभग एक कटोरी मेरे पास पनीर है और मैं इसका बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार कोफ्ता। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने हाथों से अच्छे से पनीर को थोड़ा सा मसल लिया है। इसके बाद इसमें डाल दिया है 2 चम्मच बेसन, 1 चम्मच मैदा, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर और इसके साथ ही डाल दिया है थोड़ा सा नमक। और इसके बाद हल्के हाथों से इससे बाकी सारी चीज़ें जो हमने डाली हैं, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद इसका हम गोला बना लेंगे, मतलब कि कोफ्ता का शेप दे देंगे। तो बड़ी आसानी से ये बन के तैयार हो जाता है। तो ये सब सारे काम आप बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिए, क्योंकि पनीर वैसे भी बहुत सॉफ्ट होता है। तो ये देखिए, बहुत ही आराम से इसका गोला बन करके तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसको हम डीप फ्राई कर लेते हैं। जैसे नॉर्मली हम घर में कोफ्ता बनाते हैं, लौकी का कोफ्ता, केले का कोफ्ता, उसी तरीके से बिल्कुल गर्म तेल में इसको हम फ्राई कर लेंगे। हल्का गोल्डन कलर का कर लेंगे। तो ये देखिए, बिल्कुल अच्छे से ये कलर आ चुका। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो ये हमारे कोफ्ते मतलब फ्राई होके निकल चुके हैं। अब चलिए इसके लिए बना लेते हैं मसाला। तो सबसे पहले मैंने ले लिया 2 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा सा अदरक, 2 हरी मिर्च और लहसुन। इसको हम पीस करके साइड में रख देंगे और साथ ही साथ एक और मसाला बना करके तैयार कर लेंगे। तो लगभग 5 से 6 चम्मच दही है, इसको अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें डाल दिया है 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, और सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे और इसको भी साइड में रख लेंगे। इसके बाद सेम तेल में मैंने थोड़े से खड़े मसाले डाल दिए हैं और जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट तैयार किया था इसको डाल देंगे। अब डालने के बाद प्याज और टमाटर के पेस्ट को बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इसमें कच्चापन न रह जाए। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से भून लेंगे। और नमक हमने छोड़ रखा था, तो इसमें हम टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे नमक। और जैसे ही प्याज और टमाटर अच्छे से भून जाएगा, मतलब कि थोड़ा थोड़ा तेल दिखाई देने लगेगा, जो हमने दही का मसाला तैयार किया था इसको डाल देंगे। अब हम इस मसाले को लगातार चलाते जाएंगे। अब इसमें इसके साथ भी इसको बहुत ही अच्छे से भून लेना है ताकि तेल ऊपर दिखाई देने लगे और मतलब मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। जब मसाला अच्छे से भून जाएगा, इसमें हम डाल देंगे लगभग 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने में मज़ा ही आ जाता है। और जैसे ही आपका मसाला भून करके तैयार हो जाएगा, जो दही वाला हमने पेस्ट तैयार किया था उसमें पानी डाल देंगे और लगभग 1 ग्लास के करीब पानी डाल करके और ढक करके इसको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी पक करके तैयार हो चुकी है। अब जो हमने कोफ्ते पहले से तैयार करके रखे थे, इसको डाल करके बिल्कुल 1 से 1.5 मिनट के लिए सिर्फ गैस ऑन रखेंगे। इसके बाद गैस बंद कर देंगे। हमारे कोफ्ते बन करके तैयार हैं। ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा।